सिख नौजवान के नाल प्रवासी लोगों के वलों कुटमार की गई आ, उसकी दस्तार उतारी गई आ। ये तस्वीर ने जिहड़ियां लुधियाणा तो सामने आ रही ने, जिथे कि ये घटना वापरी आ। तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे, जिस तों बाद पुलिस के नाल भी बहस हुंदी आ। कुछ तस्वीर सीसीटीवी दे विच भी कैद होईयां ने। वह तस्वीरों के कुछ लोग उस सिख नौजवान की कुटमार करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसनों गल तो फड़ते हैं, उसकी दस्तार उतार देंगे ने। दरअसल इस नौजवान के मुताबिक जिसका नाम रविंदर सिंह है, उसने दसिया कि उसके दे नाल जिहड़ी टिप्पणी की गई, कुछ जिहड़े प्रवासी लोग सी उन्होंने कहा कि सिखी भाईचारे बारे टिप्पणी की, उसके सिखी स्वरूप बारे, तो दूजा उसके जाति बारे टिप्पणी की, जिस तों बाद यह सारा विवाद भखिया। तो उन्होंने लोगों के वलों कुटमार भी उस रविंदर नाम के नौजवान की की गई। वो तस्वीर भी सीसीटीवी दे विच कैद हुई ने, देख सकते हो किस तरह लोग इकट्ठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसनों गल तो फड़ते हैं, उसनों धक्का मारते हैं, तो उसकी दस्तार उतार देंगे ने। सीसीटीवी तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं, लुधियाणा के पिंड ढंडारी दे दियां इह तस्वीरां ने, जिथे इह तलखी हुई आ, दो धिर आमो सामने हुई ने। दरअसल इस नौजवान का इल्जाम यह आ कि वह पिंड दे विच जदों लंघिया जा रहा सी तां इस लोगों के वलों उसकी सिखी स्वरूप बारे तो जाति बारे टिप्पणी की गई, जिस तों बाद सारा यह विवाद भखिया। उन्होंने लोगों के वलों उस नाल कुटमार भी की जाती आ। वह तस्वीरां भी तुहानूं सीसीटीवी दे विच दिखा रहे हां। यह पिंड लुधियाणा दे ढंडारी का मामला, जिथे कि यह विवाद होया, सिख नौजवान की प्रवासी लोगों के वलों कुटमार की गई, उसकी दस्तार उतार दी गई है। मामला पुलिस के कोल भी पहुंचा है, तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पर दूजे पासे नौजवान ने पुलिस की कारगुजारी से सवाल चुके ने। उसने क्या कहा कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही, जदों कि उसके साथी ने जदों वीडियो बनाने का यतन किया, उसका मोबाइल भी भन्या गया थाने के बाहर। ये उन्हां नौजवानों के इल्जाम ने। देख सकते हो किस तरह थाने के बाहर कुछ लोग पिंड के इकट्ठे हुए ने, वो नौजवान भी नज़र आ रहा, जिस दे नाल इह घटना वापरी है। तुसीं भी सुनो पहला तलखी दियां इह तस्वीर देखो, तो आपस दे विच की गलबात हो रही है वह भी सुनो। बुलाओ ना वर्दी वाली मग हुंदी आ, अग दी बराबर दी हुंदी। हां जी बराबर जी, फिर तुसीं सामने क्यों बंदा मिलेगा जिन्हें फोन तोड़ेगा। करो तुसीं पहला आपस दे विच पुलिस मुलाजमान दे नाल भी तलखी हो रही है, बहसबाजी हो रही है। वह नौजवान कार्रवाई की मांग कर रहा, कह रहा कि 295 दे तहत कार्रवाई होनी चाहिए आ। दो लोगों नूं पुलिस ने फड़ के लिया, पुलिस कह रही असीं मामले की जांच कर रहे हैं। दो धिरां दी आपस दे विच झड़प हो रही है। इस घटना बारे उस नौजवान का की कहना, तो पुलिस किहड़े एंगल तो जांच कर रही है वह भी सुनो। मेरा नाम रविंदर सिंह है जी, मेरा एरिया ढंडारी खुरद जी, मंगलवार मंडी को वारदात हुई है। मैं जी रोजाना की तरह अपने काम तो वापस आ रहा, इतने चार पांच मुंडे खड़े थे, 18-19 साल की उम्र होनी है उन्होंने, तो उन्होंने एक सीगा हैप्पी डॉक्टर का मुंडा, तो बाकी वो दोस्त सके। तो मैं जो निकलिया जावा, इन्होंने जो मैं निकलिया इन्होंने को जी, इन्होंने जाति सूचक शब्द वरते पहला, ना फिर मैंने कहा इन्होंने 12 बज गए सरदारा के, फिर इन्होंने कुछ होर गलत बोलिया, मैं इग्नोर किया, बट जो नहीं हटे फिर मैं वापस मुड़ के इन्हों को गया भी की गल होगी, क्यों बोल रहे हो तुम, कहने तू की कर लेगा, धक्का मारिया मैं, ठीक है जी। उदो बाद सारा झुंड मेरे से जो पैन लग्या, फिर मैं समझ सोचा भी ये कट्ठे ने, तो लड़ना चंगा भी नहीं, एक जवाक ने, कल उन्नी की गल होगी मेरे से गल होनी है, क्योंकि घट कोई भी नहीं हों अच्छ। पर मैं सियाणप वरती इन्हों के फादर साहब को फोन लाया, मैं कहा जी थोड़े बेटा वा है इदा करके बोल रहा, गलत वर्डिंग कर रहा भी समझाओ, कल उन्नी की गल होगी, तुम सानू ना कहो, कहने कोई गल नहीं बेटा की, मैं क्या ऐ गल हुई है सारी गल दसती, कहने कोई गल नहीं हूँ ही फोन करता। उन्होंने फोन लाया अपने बेटे, कहते भी हाँ तू इदा बोल रहा, कहते जी अस तो खड़े हैं और अपन गल्ला कर रहे हैं, अस तो बोलों के कोई कर ले की करता वा, तो इन्होंने इन्ने लेंदे ही फोन कटता, तो मैंने फादर साहब तो बैक कॉल आई, कहते बेटा चलो लड़ना नहीं तुम, मैं कोई ना जी, जो मैं लड़ना ही हूँ तो फोन ना करता, ठीक है जी, मैं दोबारा फोन ना करता, तो इसे करके फोन किया भी आप लड़ाई नहीं करनी। पर देखा कि जो मैं उन्होंने गल कर रहा, वो मुंडे के भरा का जिम आंडे के भरा ने अपने बड़ा भरा लिया मेरे वालू, तो मैं समझ गया भी लड़न गए, मैं ही कहता भी थोड़ा बड़ा बेटा आ रहा लड़ूगा, ठीक है जी। जो आया मैं उन्होंने समझाने की कोशिश की, मैं फोन कटता जेब पा ले भी मेरा फोन ना टुट जाए, या उन्हें मैंने पता मारनी है, जिस तरह आ रहा है वो वीडियो भी बकायदा कैमरे से रिकॉर्ड हुई है, प्रॉपर सबूत देवे, तो जो आके मेरे को मैं हाथ
दूरी दूरों किया भी एक मिनट गल सुन ला मेरी मैं उदो भी स्टॉप किया भी नहीं जिन्ना टालना टालीए लड़ाई में पर उन्हें लेंदे ने ही मैनू हाथों पाई की मेरा धक्का मार के मैं गुलामे तो फट के थले सीट लिया तो मेरे झटके जो मेरे ऐ मारे उन्हें मेरे हाथ लग्या पग से वह पग लगन सार मैं थले गिरया तो मेरी पग जदी लै गई तो फिर मेरे केस खुल गए फिर मैनू नहीं पता इन्होंने पांच ने मारी है दस ने मारी है फिर मैं मजबूर बस कुट खाँदा रे इदा बैठा रहा भी चलो मार लो कोई गल नहीं अज टाइम आ उदू बाद जो मैं उठाया जानू इन्हों के फादर साहब आ गए इन्होंने सुन गई गल भी थोड़ा बेटा आ रहा यार जानू आए जानू इन्होंने अपना काम करता से किन्ने जाने हो गए जी पांच तो सत्त जाने हाँ जी सारे चेहरे जानता जी मैं हाँ जी तो जो उस तो बाद फिर इन्होंने फादर साहब आए वो उदों हटे ना उन्होंने फादर साहब ने मैनू चक्या भी काका ठीक है तू कोई मतलब नहीं उन्होंने उन्होंने माड़ा मोटा कुछ कहा चलो 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 मिनट च लै गए मतलब उन्होंने कोई वो नहीं हैगी पग लैगी तो लैगी क्योंकि उन्होंने कोई वड्डी गल नहीं भी पग इन मेरे लिए वड्डी आ जां सिखां लई जां सरदारां लई वड्डी आ उन्होंने कोई वड्डी पग नहीं उन्होंने वो हिंदू ने ठीक है ना उन्होंने कोई इज्जत नहीं इन्हों की पर मैं उन्होंने इज्जत बहुत करता सी पर अपनी इज्जत आप गवा ली उन्होंने अज क्योंकि उन्होंने मेरा पक्ष लिया आता मेरे मूहे भी दो चपेड़ा उन्होंने मारिया शायद केस रफा था वो हो जाता पक्का नहीं फिर भी चलो मैनू जो पता लगे भी इन्नी गल बाद की मैं केस कूस कट्ठे किए मेरे नाल अजे कोई नहीं मैं कल्ला सी अजे भी मैं कल्ला ही अजे तो जो वापस गया फिर उत्थे खड़े हुए चौड़े हुए कहने बुला ला किनू बुला कर लाँगे तू जो करना कर ली फिर मैं भी क्या मैं करूँगा कोई ने जो करना फिर मैं जब रिपोर्ट लिखाई इन्हों मैं देखा साढ़े छे सवा छे पौने सत्त काफ़ी टाइम बीत गया कोई कार्रवाई नहीं तो हूँ देखो बिल्कुल बिल्कुल हजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इतने जी असं खड़े हैं धरना लाया पिंड वाले मेरे नाल खड़े ने कोई कार्रवाई नहीं जी हजे उल्ट सानू उल्ट असं इन्हों को आए उल्ट असं इन्हों को आए इन्हों को आए तो इन्होंने जिथे तक सानू लगता ऑलमोस्ट 95% असं श्योर हाँ भी इन्होंने ड्रिंक की हुई सी उस बंदे ने जिन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी उस टाइम मेरे ना बहुत वधिया बिहेवियर किया उन्होंने बहुत वधिया मेरे ना गलबात की तेरे नाल ये वो उस तो बाद जो इतने खड़े आके इन्हों का रवैया इन्ना कुछ चेंज हो गया भी सानू खुद को कंट्रोल करना औखा भी असं की बोलीए सानू ये इंसाफ मिल रहा इतने भी जे इतने मतलब ये प्रवासी लोग साढ़े तो इदा करे हूँ तो असं इन्हों भी क्या तुम पंजाब के वासी प्रवासी ने जी बहुत टाइम तो रह रहे प्योर पंजाबी बोलते हैं बहुत मतलब कि काफ़ी टाइम तो इतने रेंदे ने प्योर मतलब पंजाबी बोलते हैं ठीक है पर सानू पता भी वह प्रवासी ने पर मैं ये कहना चाहे पंजाबी की पग प्रवासी ने लाई है चाहे पंजाबी ने गलत गलती है 295 का परचा बनता वह पैना चाहिए पर इतने तक साड़ी हजे कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने लैन गए हजे तक वापस नहीं आए लड़ाई झगड़ा होया ठीक है जी पहला भी किया दो बंदे लेके आए जी जिन्हां दा नाम लिखाया सी बाई नेम सीगा वो ले आंदे आ जी ठीक है।